नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेड्यूल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नाइट वॉचमैन कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे, तो नाइट वॉचमैन जो वर्ड है वो क्रिकेट से संबंधित है, और बाकी चीज़ें क्रिकेट से संबंधित हम सब जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब एथलेटिक्स। जी, एथलेटिक्स में तीन चार चीज़ें मेन याद रखनी है। पहला है रिले रेस। रिले रेस क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग एक रेस को कंप्लीट करते हैं, और वो जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पास करता है उस टर्म को कहते हैं बैट ऑन पास करना। जी हाँ, बैट ऑन। आगे बढ़ते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट का क्या मतलब होता है, जब फास्ट रनिंग होता है, फास्ट रेसेस और बहुत ही कम दूरी के लिए, उसको कहते हैं स्प्रिंट। आगे बात करते हैं ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड जो होता है, एक कॉन्टेस्ट होता है बेस्ड ऑन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। फिर एथलेटिक्स से रिलेटेड टर्म है हैमर थ्रो, शॉट पुट। एथलेटिक्स में और अगर आप टर्म से पूछ सकता है वो है जेवलिन थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अब आते हैं बैडमिंटन। जी हाँ, तो बैडमिंटन से रिलेटेड पहला टर्म है ड्यूस। इसका मतलब होता है, ड्यूस का मतलब होता है कि जब दो प्लेयर्स का जो पॉइंट्स होता है वो इक्वल हो जाता है, तो वर्ड यूज किया जाता है ड्यूस। आगे तो लव। जब एक प्लेयर एक साइड का स्कोर जीरो होता है तो उसको कहते हैं लव। ये टेनिस और वॉलीबॉल और साथ ही साथ बैडमिंटन, ये तीनों में टर्म यूज होता है लव। आगे बढ़ते हैं सर्विस। जी हाँ, किसी भी बैडमिंटन में जब शॉट मारने को स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट शॉट को कहते हैं सर्विस करना। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में ही और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे शटर लॉक, कोर्ट और स्मैश, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। जी, अब आता है बेसबॉल। तो बेसबॉल में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, होम रन। जी हाँ, होम रन, स्ट्राइक। होम रन के बारे में जानते हैं, जब एक प्लेयर एक पूरा रन कंप्लीट कर लेता है दो बेसिस के बीच में, जैसे क्रीज होता है क्रिकेट में, उसी तरह बेसबॉल में दो बेस होते हैं, वो दोनों के बीच अगर एक रन वो कंप्लीट कर लिया उसको कहते हैं होम रन, स्ट्राइक। जी हाँ, जब भी वो कोई बॉल अगर वो मिस कर जा रहा है तो उसको कहते हैं स्ट्राइक, और लगातार अगर तीन स्ट्राइक हो गया तो वो आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल में होता है बेस रनर, थ्रो प्लस पुट आउट। बात करेंगे बिलियर्ड्स की। जी हाँ, क्यू। क्यू मतलब स्टिक होता है, बिलियर्ड्स में स्टिक को क्यू बोलते हैं। क्यू बॉल, क्यू बॉल वाइट बॉल को कहा जाता है, इट इज जनरली यूज टू हिट ऑल द अदर बॉल्स। वाइट बॉल को यूज करते हुए ही बाकी सारे ऑल रेड बॉल्स को हिट करते हैं। कैनन, कैनन क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग क्यू बॉल एंड ऑल बॉल इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कैनन के सहारे ही हम क्यू बॉल यानी कि वाइट बॉल को स्ट्राइक करते हैं, और जिसके बाद हर एक बॉल स्ट्राइक हो जाता है। दूसरा होता है फ्रेम। ये फ्रेम बिलियर्ड्स के हर एक फेज है ये। अब आता है टर्म बॉक्सिंग। जी हाँ, तो बॉक्सिंग में काउंटडाउन यूज होता है, जैसे आप देखते होंगे जब भी कोई नीचे गिर जाता है बॉक्सिंग में तो फिर उसको उठने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 ये काउंटडाउन होता है। फिर नॉकआउट, टोटल एलिमिनेशन, जैसे उसके बाद उसको कोई चांस नहीं मिलेगा कम बैक करने के लिए, तो उसको कहते हैं नॉकआउट राउंड। हुक, एक स्पेशल तरह का पंच होता है, जनरली हुक चीन यानी कि ठुड्डी और लीवर के लिए यूज होता है, वहाँ अगर कोई पंच लगता है तो उसे हुक कहते हैं, हुक पंच। अपर कट, ये भी एक तरह का पंच ही है। बॉक्सिंग के बाद बात करते हैं चेस। चेस में जैसे चेकमेट मतलब सहमत, स्टेलमेट मतलब ड्रॉ खेलना, रिजाइन मतलब सरेंडर कर देना, हार मान लेना। गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब होता है स्टार्ट करना, चेस को खेलना स्टार्ट करना, उसको कहते हैं गैम्बिट। आगे बढ़ते हैं चेस में इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे पूछते हैं रुक किसका कहते हैं, एलिफेंट को कहते हैं, नाइट घोड़ा को कहते हैं, कैमल को बिशप कहते हैं, और पॉन यानी कि प्यादा सैनिक को कहते हैं। अब कुछ टर्म साइकिलिंग से जानते हैं, ट्रैक रेस, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, पॉइंट रेस, और जो इम्पोर्टेंट एक कंपटीशन होता है वो होता है टूर डे फ्रांस। ये साइकिलिंग का सबसे बड़ा बोला जाता तो कंपटीशन होता है, ये फ्रांस में होता है। अब बात आती है फुटबॉल की, किक।
जी हाँ, जितने भी तरह के किक होते हैं वो फुटबॉल में यूज होंगे, फ्री किक, कॉर्नर किक, डिफेंडर और अटैकर फुटबॉल में होते हैं, गोलकीपर आपको पता ही है ऑफ साइड फुटबॉल में होते हैं, टाई ब्रेकर जब भी दोनों का स्कोर बराबर हो जाता है तो टाई ब्रेकर कहते हैं। टाई ब्रेकर आई थिंक हॉकी में भी इस्तेमाल होता है, और फुटबॉल के लिए जो दो इम्पोर्टेंट वेन्यू होते हैं यानी खेल होते हैं वो फीफा और यूएफए है। अब जानते हैं गोल्फ से रिलेटेड टर्म्स, तो फ्लैग, स्टिक, होल, बॉडी, बंकर, टी, पुट, ईगल, एस और गोल्फ बॉल। जी हाँ, तो बॉडी का मतलब होता है स्कोर, गोल्फ में बॉडी का मतलब होता है स्कोर, टी मतलब होता है स्टिक का सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट, एस मतलब होता है, ये टेनिस में भी यूज होता है, मतलब ऐसा हार्ड हिट करना जिससे कि गोल्फ के इस कोर्ट से उस कोर्ट तक पार कर देना। आगे बात करते हैं, गोल्फ बॉल का जो वेट होता है वो 1.62 आउंस होता है, यानी कि लगभग 46 ग्राम का। अब जानते हैं जिमनास्टिक से टर्म्स, एरियल, समोसॉल्ट, प्रोडियोनोवा, वॉल्ट, फ्लोर और लेआउट। ये प्रोडियोनोवा जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ जंप है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेशनल गेम हॉकी के बारे में, तो पेनल्टी कॉर्नर, फ्री हिट, टच लाइन, गोल लाइन, ऑफ साइड, ये ऑफ साइड हॉकी में भी होता है, ऑफ साइड क्रिकेट में भी होता है, स्टिक हॉकी में भी होता है, स्टिक गोल्फ में भी होता है, टाई ब्रेकर फुटबॉल में भी होता है, टाई ब्रेकर हॉकी में भी होता है। चलिए अब जानते हैं हॉर्स रेसिंग के बारे में, स्टीपल चेज, रेस कोर्स, जॉकी और पंटर, ये चार वर्ड है। सबसे पहले देखते हैं स्टीपल चेज। स्टीपल चेज का मतलब होता है स्टॉप ऑब्स्टिकल रेस, बीच बीच में ऑब्स्टिकल रहते हैं उसको घोड़े पार करते हैं। उसके बाद होता है रेस कोर्स, ये मेनली फॉर इंटरटेनमेंट होता है, बेटिंग के लिए। जॉकी मतलब जो घोड़े को, घुड़सवार को राइडर कहते हैं, जॉकी कहते हैं। पंटर, पंटर मतलब जो घोड़े पे बाजी लगाता है, बेटिंग करता है, उसको पंटर कहते हैं। अब देखते हैं शूटिंग, जी हाँ, बुल्सआई यानी टारगेट को कहते हैं, ये आर्चरी और शूटिंग दोनों में यूज होता है वर्ड बुल्सआई। आगे देखते हैं मार्क्समैनशिप, मतलब हाईली स्किल प्रिसीजन शूटिंग यानी शार्प शूटर कह सकते हैं इसको। फिर शूटिंग में होता है वर्ड यूज होता है वो है प्लग, स्किट और बैग। अब बात करते हैं स्विमिंग का, जी हाँ, स्विमिंग में बैक स्ट्रोक हो गया, एंकर हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया, क्रॉल हो गया। और स्विमिंग में और भी दो वर्ड होते हैं जैसे पैडल, पूल, बॉटम और फॉल स्टार्ट। अब बात करते हैं टेनिस के बारे में, तो टेनिस में बैक हैंड, फोर हैंड, स्मैश, क्रॉस कोर्ट, स्लाइस, ड्यूस, ड्यूस मतलब बताया था इक्वल स्कोर, और इसमें और भी वर्ड होते हैं जैसे ग्रैंड स्लैम गेम। तो ग्रैंड स्लैम में क्या बोलते हैं? फोर होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। टेनिस से रिलेटेड दो वर्ड वर हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है एस और वॉली। तो वॉली वर्ड जो है वो वॉलीबॉल और टेनिस दोनों में यूज होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी टेबल टेनिस के बारे में, तो टेबल टेनिस में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है स्पिन और लेट। चलिए वॉलीबॉल के बारे में बात करते हैं, वॉलीबॉल में फ्री बॉल, ब्लॉक, डबलिंग, वॉली। वॉली जैसे मैंने बताया कि वॉलीबॉल में भी इस्तेमाल होता है वर्ड वॉली और टेनिस में भी इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग, जी हाँ, वेट लिफ्टिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्नैच, जर्क, बल्किंग, प्लेट्स एंड बार्स। और अगर रेसलिंग की बात किया जाए तो रेसलिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फ्री स्टाइल, हैवी वेट, हॉल नेल्सन एंड सडन डेथ। ये सडन डेथ आपको बता दें, ये कैनेडियन रेसलिंग का एक पार्ट है, वहाँ से ये वर्ड ईजाद हुआ है। आगे बात करते हैं खो खो के बारे में, तो खो खो जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो होते हैं चेज, फ्रीजो, पॉन। ये यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद करते हैं आप इसको पसंद करेंगे, और अगली बार मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।